बीकॉम पार्ट टू का है, चैप्टर का नाम है रिडम्पशन। ऑफ प्रिफरेंस शेयर। सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। शेयर दो तरह का होता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। लेनदार का मतलब है कि एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी क्या करती है, इस तरह के शेयर्स का पेमेंट कर देती है। पेमेंट करना ही कंपनी की भाषा में रिडम्पशन कहलाता है। तो अब है कि रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। सबसे पहले है कि कंपनी जो पेमेंट करती है उसका सोर्स क्या है। तो पहला कंडीशन है लाभों में से शोधन, लाभों में से शोधन। कहा गया है कि कंपनी लाभों में से शोधन या फिर रिजर्व संचित लाभ, सामान्य संचय। तो कंपनी क्या करती है, इन सब में से जो है ना लाभों का शोधन करती है। तो कहा गया है, रूल कहता है कंपनी जितनी राशि का लाभों में से शोधन करती है, कंपनी को जो है ना उतनी राशि से पूंजी शोधन संचय खाते का निर्माण करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन वन पे। इसमें क्या कह रहा है कि एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक लिमिटेड ने 10 रुपया वाले पूर्णदत्त 8008% विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों को अप्रैल 12 को जारी किया। मतलब कंपनी इशू कर रही है अप्रैल 12 को 8000 शेयर्स 10 रुपये का है, और इन अंशों का शोधन जो है ना 31 मार्च 2016 को करना है। तो 12 में इशू हुआ है, 16 में कर रहा है, मतलब 4 साल के बाद हमको पेमेंट करना है। तो वार्षिक प्रावधान के लिए अंशों के शोधन के लिए अशोक लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ यह मानकर कीजिए कि इन अंशों के शोधन के लिए विभाजन योग्य लाभों में से प्रतिवर्ष 20,000 रुपया ट्रांसफर किए जाते हैं। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल के बाद जो कंपनी पेमेंट करेगी ना, पेमेंट कहाँ से करेगी, तो प्रत्येक वर्ष जो लाभ होता है ना, उस लाभ में से 20,000 रुपया कंपनी क्या करती है, बचा कर रखती है शोधन के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। इकतीस मार्च 13 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना, 20,000। 20,000 आप DRCR भी लिखिए, और बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRRA। CRRA का मतलब हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना 31 मार्च 2014 आएगा, सेम एंट्री कर देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेम अमाउंट हो जाएगा 20,000, और इसका नरेशन भी सेम हो जाएगा बिंग। इतना काम कर लेंगे आप लोग। फिर 31 मार्च 2015 आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना, तो ये भी 20,000। इसका भी नरेशन जो है सेम हो जाएगा, और 31 मार्च 2016 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये भी 20,000।
और इसके साथ ही 4 साल पूरा हो चुका है, तो आप ध्यान से देखिए 20 20 20 20 80,000 हो चुका है ना। अब आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने से पहले प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, उसका एंट्री होता है 8% रिडम्बल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 28% रिडम्बल प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना पेमेंट करना है आपको? 80,000 पेमेंट करना है, बीइंग 8% रिडम्बल, रिडम्बल का मतलब होता है शोधनीय मोचनीय, रिडम्बल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ट्रांसफर हो चुका है, अब आपको पेमेंट कर देना है। कितना? तो 80,000, उसका एंट्री हो जाएगा 8% रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? तो 80,000, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे देखेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए हम नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स लिमिटेड के 100 रुपया वाले 2012% विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश पूर्ण चुकता थी, मतलब फुल्ली पेड है, तो कंपनी ने इन पूर्वाधिकार अंशों के समूल पर शोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में 10 रुपये वाले पूर्ण चुकता क्षमता 2 रुपया प्रीमियम पर 2 रुपया प्रति अंश पर ब्याजी पर जारी करने का फैसला किया। रोजामचा प्रतिष्ठा कीजिए। कहने का मतलब है कि आज जो है ना कंपनी को पेमेंट करना है 2,000 × 100, 200,000 रुपया पेमेंट करना है, तो रुपया कहाँ से आएगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि लाभों में से पेमेंट किया हमने, इसमें कंडीशन है कि हमको जो है ना 10 रुपये का पूर्ण फुल्ली पेड अप इतना शेयर इशू करना है 2 रुपया प्रीमियम पर कि मेरे पास जो है 200,000 रुपया आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, आपको 200,000 रुपया चाहिए, एक का दाम होगा 10 रुपया, 10 से भागा लगा दो, इसका मतलब है कि आपको 20,000 शेयर्स इशू करना होगा, तब जाके आपको 10 के हिसाब से 200,000 रुपया प्राप्त होगा। तो हेडलाइन तो वही हो जाएगा, जर्नल इंट्रीज, कंपनी का नाम है ऑफ एक्स लिमिटेड। ये सब हम आपके लिए छोड़ देते हैं, डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट जो भी होता है वो आप लिख लेंगे, DR CR। तो सबसे पहले है रुपया के लिए कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया चाहिए आपको? आपको 200,000 रुपया चाहिए, और एक शेयर 10 रुपये का होना चाहिए, 10 से हमने भागा लगा दिया तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर 20,000, तो 20,000 × 10 ये हो गया 200,000, 200,000 इक्विटी शेयर। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपया प्रीमियम पर ब्याजी पर, तो 20,000 को आप 2 से गुना कर लीजिए, ये होता है 40,000, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना? 40,000, कुल रकम आ चुका है 240,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ RS 10 ईच ये इशूड एट 2 पर प्रीमियम। अब रुपया आ चुका है, अब आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने से पहले आप पढ़ चुके हैं प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, उसका एंट्री होता है 12% रिडम्बल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% रिडम्बल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना पेमेंट करना है आपको? 200,000। नरेशन से पहले आप पढ़ चुके हैं,
सेम हो जाएगा, पेमेंट करना है तो 12% रिडम्बल प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमने सॉल्व करके दिया। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, बीइंग रिडम्पशन और प्रिफरेंस शेयर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने लाभों में से पेमेंट किया तो रूल कहता है जितनी राशि से आप लाभ में से पेमेंट करते हैं ना उतनी राशि का पूंजी शोधन संचय कोष का निर्माण करना आवश्यक होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रुपया कहाँ से आएगा, तो कंपनी ने नया शेयर इशू किया, रुपया आ चुका है 2 लाख, अब पेमेंट कर दो, बिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन आप लास्ट में जोड़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको बोलते हैं टोटल ऑफ जर्नल, टोटल ऑफ ये हो गया 20, 20, 40, 4, 2, 6, 6,40,000। चलिए पहले वाले क्वेश्चन का भी जोड़ मिला लेते हैं, 80, 80, 160 और ये 80, 2,40,000। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।